यूं ही बिना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ चुका। अगर तुम अभी मुझसे मिलने ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। And I don't trust him, Dad. Honestly, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं इसका इलाज करने में। जिसके पिक्चर देख के तुमने विस्पर किया उसका नाम जॉर्ज एंथनी है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जब भी रिश्ता लाने के लिए कहती हूँ तो बहाने करने लगता है। मुझे कोई अफेयर थोड़ी चलाना है इससे। शादी करता तो ठीक वरना भाड़ में जाए। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रजिया, अल्लाह ने हमें अपने बच्चों के लिए गैरों के दरवाजों पे नहीं जाने दिया। हमारे अपने खानदान में अपनों में हमारे बच्चों का जोड़ मिल गया। और भाई सुरैया की तुम बिल्कुल फिक्र छोड़ दो, तुम देखना अल्लाह ताला उसे बेहतरीन साथी अता करेगा। अरे तुम अपनी सुरैया के लिए हामिद का क्यों नहीं सोच रही, फिर तो उसका बेटा। ना भाई ना, वट्टा सट्टा नहीं करना हमने। ऐसे भी फिरदौस हामिद के लिए अपने ससुराल का सोच रही है। वो मुदस्सिर भाई भी तो यही चाहते हैं ना। एक बात आई है मेरे दिमाग में। अगर तुम कहो तो मैं कहूँ। अब कह भी दो। देखो जब चाचा जी ने अपने भतीजे को माफी कर दिया तो फिर तो इकबाल का रिश्ता क्यों नहीं करते नवीद से। हामिया पता किया उस बच्ची का? क्या दादा जी? ये क्या हाल है उसका? उसकी ट्रिप खत्म हुई या जारी है? मरीजा है ना तुम्हारी? ठीक है दादा जी। तुम्हारा मरीज तंदुरुस्त तो ठीक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने बड़ी शफा दी है मेरे बेटे के हाथ में। दादाजी खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। बेटे उसका ख्याल रखना, मेहमान है, परदेश से आई है। सब बहुत ख्याल रख रहे हैं उसका, आप फिक्र ना करें। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। मेरी क्यों? इसलिए कि तुम डॉक्टर हो ना उसके। दादाजी डॉक्टर हूं इसीलिए लिहाज करो वरना। नहीं बेटा नहीं, गुस्सा नहीं करते। जाओ जाकर अपनी अम्मा से फूफा से पूछो उसे कुछ खाने को दिया कि नहीं। आपको बड़ी फिक्र है उसकी, दिए फूफा ने उसे खिचड़ी बनाकर। अरे खिचड़ी क्यों, उसे कोई यखनी बना के पिलाए। इकबाल से कहो कि देसी मुर्ग की यखनी निकाल के उसे दे। दादाजी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, जाओ कहो मैंने कहा है। जी जी अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? किम से मिलने। कोई जरूरत नहीं है मगर कहाँ ना, कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? किंदाल भाई मैं क्यों ना मिलूं किम से? बस नहीं मिल सकती, हर किसी से मिलना गप्पे लगाना जरूरी नहीं है। किंदाल भाई पहले तो इतनी बहस नहीं करती थी, एक दफा कहने में मान जाती थी। पहले बात समझ में आती थी ना, अब नहीं आ रही। किम तो लड़की है, मैं किसी लड़के से थोड़ी मिल रही हूँ, कजन है हमारी। सिर्फ लड़की नहीं है, एक फजूल बिगड़ी हुई लड़की है। और ऐसी लड़कियों से दोस्ती रखना खतरनाक है तुम्हारे लिए। कमरे में जाओ। समझता क्या हूं तुमको?
अरे भाई इसमें बुराई क्या है, देखो चाचा जी ने तो माफ कर दिया ना नवीद भाई को, बस उनसे को भूल जाए जो हुआ। खुर्शीद की मौत को भुलाना आसान नहीं है, अब्बा जी का बहुत दिल दुखा था। देखो जब किसी को माफ करते हैं ना तो दिल साफ करके माफी दी जाती है, अगर दिल ही साफ नहीं है तो फिर माफी कैसी। मेरी मानो तो तुम समझाओ चाचा जी को। मैं बात करूं अब्बा जी से? तुम और बशारत भी मिलके बात करो ना उनसे। पहले तो बशारत को समझाना ही एक पहाड़ है, फिर इकबाल क्या वो मानेगी? हमारे खानदान में औरत की औकात ही क्या है कि वो माने या ना माने, फैसले तो मर्द करते हैं। और जब चाचा जी और बशारत भाई मान जाएंगे तो इकबाल की भला कौन सुनेगा। मैं तो कह रही हूँ तुम उनसे बात करो, हमारी सुरैया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो ना, इकबाल की अगर शादी हो जाएगी और वो अमरीका चली जाएगी तो सुरैया के ससुराल वालों पे भी तो रोब पड़ेगा ना। David. Daud. Whatever. हाल नहीं पूछोगे मेरा? हाल ठीक है तुम्हारा, नजर आ रहा है मुझे। फिलहाल तुम्हें कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये बात डॉक्टर बनकर एडवाइस कर रहे हो या सुरैया के भाई? Whatever. I don't care whatever you say, Mr. David. Daud. ये देखो, snap भेजा है। क्या हुआ, कॉल क्यों काट दी? अभी मिलना नहीं चाहता। हाँ भाई, अमेरिका से कजन आई हुई है, तो लोकल कजन को कौन पूछता है। मैं तो कहता हूँ ये मौका हाथ से जाने मत देना, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। इरादा तो यही है। अच्छा, किम खूबसूरत है, अमेरिकन सिटीजन है, बस एक बार सेटिंग हो जाए मेरी, उसके बाद तुम्हारा भाई भी अमरीकी सिटीजन बन जाएगा, डॉलरों की बारिश होगी। यार बड़ा लकी है यार तू। तुम्हें पता जो किम के अब्बा है, मेरे अंकल नवीद। अच्छा। न्यूरो सर्जन है अमरीका में, अमीर मालदार। एक बार तो उनका दामाद बन जाए ना, मुझे नहीं भूल जाना। तू बस दुआ कर दामाद बन जाऊ। तुझे क्या मसला है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, और ये जो अमेरिका से आते हैं अंकल वगैरह, ये सब अपनी बेटियों को रिश्ते के लिए तो लाते हैं, अजमाई हुई बात है। लगता वैसे मुझे भी यही है, पर यार मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो गया। पर कोई नहीं, ठीक कर लूंगा। अच्छा एक बात तो बता, ये किम नाम अजीब सा नहीं है, असली नाम क्या है भाभी का?
एक बार दोस्ती हो गई तो नाम पूछ लूंगा ना। चल कोई नहीं, हो जाएगी तेरी दोस्ती भी। तो ये भी कॉल पे कॉल। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज दाऊद भाई को कुछ हो गया। क्या कह दिया दाऊद भाई? मैं किम से मिलने जा रही थी, मुझे जाने से मना कर दिया। तो ठीक मना किया उसने, ना ही उसका बाप ठीक है और ना ही लड़की। तुम दूर रहो उससे। पप्पू मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है सुरैया कि सोबत का क्या असर होता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और दूसरे के रंग में रंगता चला जाता है। और फिर किम के बाप के रंग ढंग क्या थे ये तो हम लोग बरसों से जानते हैं। बेटी किसकी है? नवेद भाई भी बहुत ही आज़ाद ख्याल और बेहिस थे, और ये लड़की भी बहुत ही आज़ाद ख्याल और बेहया। क्या हो गया पप्पू, इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही है? आप जानती भी नहीं है उसको। लिबास और बातचीत का अंदाज सब कुछ जाहिर कर देता है। आज मिली हूं ना मैं सुबह उससे। आ गए तुम? बाइक खराब हो गई थी, दोस्त की बाइक लेकर आ रहा हूँ, और तुमों की कॉल कॉल कॉल, घर आओ घर आओ घर आओ। तो क्यों नहीं आ रहे थे तुम? पहले तो एक कॉल तक नहीं करनी पड़ती थी, और अगर करती भी थी तो एक कॉल पर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाते थे मेरे सामने। यार बंदा कभी बिजी भी होता है। कहाँ बिजी थे, दोस्तों के साथ, पढ़ाई में, या फिर किसी कजन के साथ? उफ खुदाया, किस किस्म की जलकुकड़ी लड़की हो तुम। फजूल बात मत करो, जो पूछा है वो बताओ। यार वो हमारे मेहमान है, थोड़ी बहुत मसरूफियत तो हो जाती है ना। पता है किस किस्म के मेहमान है वो, अम्मी ने सब बता दिया मुझे। उनकी वजह से मेरी खाला की जान चले गई, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हो, हमारी कोई मंगनी मंगनी नहीं हुई भी, और अगर करने का इरादा ना तो इस बात का मलबा मेरे ऊपर मत डालो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साफ बात कर रहा हूँ, हम कजन्स में मजाक तो चलता है ना, कोई सीरियस थोड़ी है ना हम। तो इतने सालों से मजाक कर रहे थे तुम मेरे साथ? यार बड़ों की बातों में आकर मैं तुम्हें छेड़ देता था, और वापसी तुम भी तो मुझे छेड़ देती थी। इतना कुछ सीरियस तो नहीं था, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही तो कर रही थी, तुम में है ही क्या? मर मर के तुमसे बीबीए हुआ, एमबीए में कई सालों से फंसे हुए हो तुम। सपली आई है तुम्हारी जो अम्मा अब्बा से छुपाई मैंने, कि गलत इंप्रेशन ना पड़े तुम्हारा। हालांकि तुम जानते हो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, स्कॉलरशिप मिली है मुझे, आगे सीएसएस करने का इरादा है मेरा। खैर जाओ तुम, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें तो खास कोई पढ़ाई का शौक नहीं है, जो वक्त जाया नहीं करना तुम्हारे साथ। अच्छा भाई जा रहा हूँ, तुमने तो अपनी लियाकत पे मजमून ही सुना दिया। सॉरी मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, वैसे मेरी आदत नहीं है किसी के बारे में बात करने की या उनकी बातें सुनने की, पर अपना नाम सुना तो फिर रुक गई। इकबाल ने जो कुछ भी मेरे डैड के बारे में कहा मैंने सब सुन लिया। वो नहीं, वो असल में खुर्शीद पप्पू के बारे इनकी बहन का और मेरे डैड का जो कुछ भी इशू था मुझे नहीं पता, एंड आई एम श्योर कि इन्हें भी पूरी बात का नहीं पता होगा। हमें कोई राइट नहीं है किसी के बारे में बात करने का या फिर किसी के पास के बारे में बात करने का। तुम्हारे बाप की वजह से मेरी बहन की जान चली गई, कातिल है वो खुर्शीद आपा का, नफरत है मुझे उससे। हर इंसान को मरना है एक बार। अगर आपकी बहन की शादी मेरे डैड से हो जाती तो क्या सारी जिंदगी वो जिंदा रहती? मेरी मॉम को ही देख लो,
शादी के कुछ सालों के बाद उनकी भी डेथ हो गई। आपने मेरे डैड के बारे में बहुत गलत बोला है, मुझे बुरा लगा है। लेकिन नफरत एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो मैं आपसे नहीं करती। एंड डोंट वरी, मैं और डैड जल्दी होटल शिफ्ट हो रहे हैं। कैसी हो बेटा? कुछ खाया? यार आपकी कजन इकबाल कुछ चावलों की डिश लेकर आई थी। गुड, मैं जरा ताई जी से मिला हूं, फिर तुमसे आके बात करते। क्यों डैड? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, हम लोग होटल शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुम? नहीं, कहा तो नहीं है किसी ने, पर यहाँ हर कोई बैक बाइटिंग करता है। डेविड, इकबाल, रसिया, ऑल ऑफ देम। बेटा वो सब मुझसे नाराज हैं क्योंकि, अच्छा मैं मिलके आता हूँ ना, फिर मैं तुम्हें बुलाता। डैड अगर वो सब नाराज हैं तो आपसे आके फेस टू फेस बात करें, उसको सॉल्व करें। I understand. Don't worry. मैं ताजी से मिलके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ओके, सिफ्ट, रिलैक्स। I love you, Dad. I love you too, बेटा. See you. कहाँ थे सारा दिन? जी फारिग बैठा था, मैंने सोचा कि कुछ पुराने दोस्तों से ही मिल लूं। आपको मेरा पुराना दोस्त याद है, दिलशाद जुल्फी? अच्छी तरह जानता हूं उसे, बचपन से निकम्मा कहीं का आता था हमारे यहाँ, कभी पतंग लूटने के बहाने, कभी घोड़े लेने के बहाने, कुछ न कुछ चाहिए होता था उसको, मंगता कहीं का। ताजी वो गरीब थे उस जमाने में। देखो गरीब होना बुरी बात नहीं है, चलन अच्छे होने चाहिए आदमी के। मैंने कई बार कहा था शराफत को कि तुम्हें समझाया कि उससे ना मिलो, लेकिन पता नहीं शराफत ने तुम्हें समझाया कि नहीं समझाया, और तुम भी बाज नहीं आ रहे, अब तक मिल रहे हो उससे। बचपन की दोस्ती है, अब उस जमाने में ये तो नहीं सोचा था कि कौन अमीर या कौन गरीब, बस दोस्ती थी, हो गई, जैसे प्यार हो जाता है इंसान को। तुम तो ये बात मत करो, माँ बाप नहीं रहे उसके, बड़ी मेहनत करके उसने किताबों की दुकान खोली हुई है, तो शाम को मैं वहीं चला जाता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि किताबों ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। वो आपको बताना था कि किम होटल में शिफ्ट होना चाह रही है। तो क्या हुआ? सब तो ख्याल रहते हैं उसका यहाँ, तो वो क्यों खुश नहीं है? ख्याल तो सारे ही कर रहे हैं उसका, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो मैंने कहा एक दो दिनों में हम होटल शिफ्ट हो जाते हैं। और जो सोच कर आए थे वो? ताई जी जो मैं सोच के आया था वो गलत था, मैं इतने सालों के बाद आया और आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। एक बार कोशिश तो करके देखो, क्यों हार मान के पीछे हट रहे हो? बाप हो तुम। नहीं ताया जी, बेटी तो मेरी है, लेकिन जिस कोशिश में जबरदस्ती शामिल हो वो कोशिश नहीं जुल्म बन जाती है, और मैं अपनी बेटी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। नहीं, तुम पर
तो जोर नहीं था मेरा, लेकिन यहाँ हर फर्द पर मेरा जोर है, सब मेरी बात मानते हैं। अब तुम भी अपनी बेटी से अपनी बात नहीं मनवा सकते तो ये तुम्हारी नालायकी है। आप जो समझें, आप मुझे नालायक समझें। मैं 3 सालों के बाद घर आया, मुझे प्यार मिला, इज्जत मिली, मेरी वही काफी है। सोचकर तो मैं बहुत कुछ आया था ताया जी, लेकिन अब जो अल्लाह को मंजूर। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। जब से आप नसीमा बाजी के यहाँ से आई हैं आप बहुत खामोश हैं, कुछ हुआ वहाँ पर? नहीं कोई बात नहीं। तुम बताओ क्या हाल है उस किम का, कुछ खाया उसने? हाँ मैं दे आई थी उसको खिचड़ी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, बहुत ही बदतमीज और बद तहजीब लड़की, और बात करने की तो उसको बिल्कुल ही कोई तमीज नहीं है। फिर मैंने भी लिहाज नहीं किया, इतना ख्याल रख रहे हैं हम, दोनों बाप बेटी को अपने घर में मेहमान बना कर रख लिया है, अब्बा जी ने माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये लड़की क्यों? क्या हुआ, क्या कह दिया उसने और तुमने? यही कि मुझे उसके बाप से नफरत है, कातिल है वो मेरी बहन का। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्यों जरूरत नहीं थी, वो कोई बच्ची नहीं है, उसे भी पता होना चाहिए उसका बाप क्या गुल के ला के गया था अमरीका। अब्बा जी ने माफ कर दिया, बशारत ने घर में मेहमान बना लिया, अब बस खत्म हो जानी चाहिए ये बात। तुम भी ना इकबाल, अव्वल तो बोलती नहीं हो और जब बोलती हो तो कफन फाड़ कर बोलती हूँ। कहाँ जा रहे? बाहर। किसके साथ? अकेली। तुम अकेली बाहर जा रहे? हाँ। तुम अकेली बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि अकेली लड़की का बाहर जाना यहाँ सेफ नहीं। क्योंकि तुम जैसे और भी बहुत से लोग बाहर बाहर जाते होंगे, राइट? मुझ जैसे अगर हो तो शायद तुम्हें मुश्किल ना हो, लेकिन इस होलिये में तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। अंदर जाओ। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मैं सुरैया नहीं हूँ जिसे तुम ऑर्डर दे रहे थे। मेरे डैड मुझे नहीं रोक सकते, तुम क्या चीज हो? देखो तुम मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मेहमान हूँ, बीवी नहीं हूँ। एंड थैंक गॉड कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपनी बीवियों का भी ख्याल नहीं रख सकते। बहुत पढ़ा है मैंने, अब आप मुझे जगह देंगे? क्या क्या मुसीबत है? अरे भाई चूरन पकड़ाओ, बहुत गरानी हो रही है। बाजार से कुछ लेकर खा लिया होगा उल्टा सीधा। अरे कलेजी, ये तुम मुझसे इधर उधर के सवाल मत किया करो। मैं सवाल कहां कर रही हूं, मैं तो सिर्फ इतना। अच्छा बस,
वो सब लोग कहाँ हैं? अपने अपने कमरों में, और कहाँ? आज मैं नसीमा के यहाँ गई थी। क्यों? क्यों क्या मतलब? बहन है वो मेरी, और फिर दाऊद का होने वाला ससुराल भी तो है। यानी अभी से मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं? जनाब, वक्त से पहले मंसूबे ना बनाए ना तो काम नहीं होता। खैर, उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया। हाँ, ये मशवरा दिया होगा तुम्हारी बहन ने कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे दाऊद से कर दे, है ना? अरे जब से मेरा बेटा डॉक्टर बना है ना, पूरा खानदान पीछे लगा हुआ है अपना दामाद बनाने के लिए। दाऊद सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। मेरी दुआओं से डॉक्टर बना है, और जहां मैं चाहूंगी ना वहीं उसकी शादी होगी। अच्छा सुने तो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा है? राज, आपके मुल्क वहां जाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। अच्छा, तो जॉर्ज से शादी भी तुम्हारी एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि तुम स्क्यूबा डाइविंग और बंजी जंपिंग करती रही हो? आप कह सकते हैं। बेटा, रिश्तों और ताल्लुकात में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते, स्पेशली शादी ना करो ये सब। डैड वेट, क्या डिसाइड हुआ था हमारे बीच? नो मोर डिस्कशंस, और आप बैकआउट भी नहीं कर रहे। बाय द वे डैड, व्हाई डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान आफ्टर सो मेनी इयर्स? पुराने रिश्तों को ढूंढने और नए रिश्तों को दफन करने। ना पुराने रिश्ते मिले और ना ही तुम्हारे और जॉर्ज के रिश्ते को दफन करने की हिम्मत है मेरे अंदर। कुछ भी नहीं कर पाया मैं। इससे बेहतर है कि ताए जी से इजाजत लेके मैं होटल ही शिफ्ट हो जाता हूं। क्या सोचा आपने? तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन क्या है इसमें? सिया बेगम, तुम भी कमाल खातून हो भाई। कल तक तो तुम नवीद के कराची आने पर, हमारे घर में ठहरने पर, और बाबूजी उसको माफ कर दे इसके बिल्कुल खिलाफ थी। आज तुम कह रही हो कि नवीद और इकबाल की शादी हो जाए, तौबा है। और वो तुम्हारी बहन जो कह देती है ना, तुम्हारे लिए पत्थर पे लकीर होती है, और तुमने उस पर अमल करना है। कभी अपनी भी तो अकल इस्तेमाल कर लिया करो। आप तो मेरे मैके के हर बंदे से चढ़ते हैं खाम खामे, चाहे वो कितने भी काम की बात क्यों ना करे। नसीमा ने तो बहुत समझदारी की बात की है। क्या समझदारी की बात की है उसने? लो, अमरीकन अमीर कबीर डॉक्टर से इकबाल की शादी हो जाएगी तो ऐश करेगी वो, हमारी भी शो बन जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। वरना तलाक याफ्ता बहन मैके में बैठी भतीजी की राख खोटी करेगी। समझ रहे हैं ना सुरैया के अब्बा? ऐसा कैसे हो सकता है? और नवीद क्यों कर मानेगा? और बाबूजी क्या खुर्शेद की मौत भूल सकेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। होने को तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप चाहें तो। बस थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी दिखानी होगी। आप एक काम करें। क्या करूं? आप ये बात अब्बा जी के कान में डाल दें। इकबाल को मैं मना लूंगी। और नवीद को कौन मनाएगा? नवीद भाई की शर्मिंदगी और नदामत इकरार के लिए काफी नहीं है? बात करने में क्या हर्ज है? बाल, आपने किम को देखा? दाऊद के कमरे में थी। ये दाऊद के कमरे में तो नहीं है, आपको कुछ बता के गई? नहीं, मुझे तो नहीं बता के गई। अच्छा,
आ गई। अरे सुन तो लो। अरे हमसे भी बात कर लो जरा। अरे ये वो लड़की नहीं है जिसकी पिछले महीने शादी हुई थी? हाँ लेकिन चूड़ियां तो मैं ही इसको पहनाता रहा हूँ। चूड़ियों के स्टॉल पे चांद रात को। Nice. मैं आपकी पिक्चर ले लूं? हाँ, आ जा तू भी आ जा। Smile. Done. Thank you. अबे कौन है फुलझड़ी? अरे वो बिशारत भाई है ना आपने? हाँ हाँ वो हाजी करामत के बेटे लकड़ी वाले। हाँ हाँ ये लोग उनके यहाँ मेहमान आए हैं। अबे वो तो इतने सीधे साधे लोग हैं, ये रंगीन लोग कहाँ से आ गए उनके? अरे सुना है अमेरिका से आए हैं, एक उनके कजन है और ये उनकी बेटी है। आफत है उनकी बेटी, आफत। चल काम कर अपना। क्या हुआ अंकल? किम घर पे नहीं है। अल्लाह जाने बच्ची कहाँ चली गई है। बेटा मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, वो तो कोई रस्ते भी नहीं जानती, पता नहीं कहाँ गई होगी। करो ना फोन करो यार। भाई साहब मैं फोन कर करके थक गया हूँ, फोन नहीं उठा रही वो मेरा। अपनी मर्जी की मालिक है, चली गई होगी कहीं। इकबाल नवीद भाई पहले परेशान है और तुम? आप फिक्र नहीं करें अंकल, मैं जाके देखता हूँ यहीं कहीं होगी। जाओ दानी जल्दी जाओ, जाओ जाओ। भाई जान वो पहले ही अपसेट थी। क्यों, हमने ऐसा क्या किया है भाई, इतना तो ख्याल रखा है। वो यहाँ के रवैयों और तल्ख बातों से परेशान थी, बेचारी कह रही थी कि हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं खुद होटल ढूंढ रहा था, कोई अच्छा होटल मिल जाता तो हम चले जाते यहाँ से। रवीत कैसी बातें कर रहे हो, हमारे होते हुए तुम होटल में कैसे रहोगे यार? हाँ बिल्कुल, ऐसी बात ना करें नवीद भाई। जवान बेटी भाभी परेशान मत हो, मिल जाए। मेरे ख्याल से वो हाँ सुरैया के साथ चली गई होगी किसी दोस्त के पास। कहाँ है सुरैया? सुरैया तो सो रही है अपने कमरे में। क्या आप परेशान ना हो नवीद भाई, दानी गया है ना, मिल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो मैडम। हेलो, कैसी हैं आप मैडम? ठीक, तुम कौन? मैं सलीम। और मैं जावेद। तुम दोनों वही नहीं हो जो एक लड़की कवर खड़ी थी और तुम लोग विसल्स कर रहे थे? नहीं नहीं, नहीं वो तो हम ऐसे ही शुगल कर रहे थे। हाँ, शुगल शुगल यू मीन हॉबी राइट? हाँ हाँ। छोड़े मैडम इसको, आप मुझे बताएं, मैं आपको घुमाता हूँ। आप कहाँ जाएंगी, मैं छोड़ देता हूँ आपको, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है। तुम गाइड हो? हाँ आप ऐसा ही समझे। क्या हो रहा भाई, सब यहाँ क्यों जमा है? अब कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बैठ के बातें बातें कर रहे थे। आप अपने कमरे में जाएं आराम करें। बुजुर्गों से जान छुड़ानी हो तो कहा जाता कि जाएं आराम करें, नहीं करता आराम। मुझे बताओ बात क्या है? ताजी वो किम का कोई पता नहीं चल रहा और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। या अल्लाह खैर, बेटी घर से गायब है तो मुझे इस तरह बता रहे हो जैसे कोई मेज कुर्सी गायब हो गई। तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं? बाबूजी परेशान मत हो, मिल जाएगी। बच्ची अमेरिका से आई है, उसको शहर देखने का शौक है। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, आइए बैठे।
बैठे बाबूजी, हद है गैर जिम्मेदारी की। और वो दानी गया है ना, उसको देख रहे हैं अभी, बस लेकर आता होगा। मुझे मार्केट ले जाओगे? अरे मैडम आप रुके, आप मेरे साथ आगे बैठ जाए, मैं आपको पूरा बाजार घुमा दूंगा। अरे बाजार क्या, पूरा शहर घुमा दूंगा। क्या चार्ज करोगे? ये तय कर लेंगे। आप चार्ज तो वही करेगा ना जिसके साथ आप बैठेंगी। आ जाए। ओके। नीचे उतरो।